श्री कृष्णा लड्डू बाबू के ड्रेसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बुकरम से कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे, नेट और बुकरम से, जिसे आप जन्माष्टमी पर रक्षाबंधन पर पहना सकें। हैवी ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए, मैंने ये पीस कट कर लिया है। ये मेरा 9x9 का पीस है, ये रहा। तो आप ऐसे कर लें या तो इसे प्लेट, एक प्लेट से कट कर लें। प्लेट लेकर मैंने प्लेट से ही कट किया है, उससे आपका इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए, ये 9x9 का ये पीस ले लिया है मैंने। तो मैंने ऐसे प्लेट को रखकर बुकरम पर हीरा और ऐसे कट कर लिया। इससे आपका आसानी से कट हो जाएगा। तो अब मैं इसे ऐसे फोर फोल्ड कर ऐसे फोल्ड कर लूँगी। अब मैं इसमें बीच में कटिंग कर दूँगी। तो बीच में कटिंग के लिए मैंने एक इंच इधर से लिया है। तो हमें कान्हा जी की कमर, ये मेरी 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, 4 और 5, तो आसानी से। तो मैंने 1 इंच इधर लिया है और 1 इंच इधर लिया है। तो मैं ऐसे इसे सर्कल में कट कर दूंगी। हेयर, तो देखिए मैंने कट कर दिया है, सर्कल में ही पीस कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। अब आप इसके ऊपर सीधी ऐसे ही गोल गोल सिलाई लगा दीजिए, सर्कल ये बुकरम के ऊपर ऐसे। अब मैं ऐसे ही इस पर सिलाई लगा दूँगी। मैंने इधर भी लगा दिया था और मैंने इधर भी लगा दिया। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मैं अंदर को ऐसे ऐसे मोड़ दूँगी, एक्स्ट्रा मैं अंदर को मोड़ दूँगी। इसकी हमारा बेस रेडी हो गया है, मैंने दोनों तरफ लगा दिया। अब मैं इसे फोर फोल्ड कर ऐसे और ऐसे। तो मैंने जहाँ बीच में कट कर दूँगी जहाँ हमारी बुकरम है ये, तो यहाँ मैंने कट कर दिया है और कर दूँगी मैं थोड़ा बाद में। मैंने हाफ हाफ ऐसे कर लिया है, हाफ हाफ करके मैंने इसे आधा कट कर लिया है, जो हमारी कान्हा जी की आगे की खुली साइड आएगी। तो मैं इसे ऐसे करके यूँ गोलाई में सिलाई लगाती ले आऊँगी, इधर को सिलाई लगा दें। तो हमारा ये बेस तैयार हो गया है। अब मैं नेट जो लूँगी, तो नेट के मैंने इसकी जितनी हमने इसकी बेस की चौड़ाई रखी है, उतने ही हमें नेट की चौड़ाई लेनी है ऐसे। तो हमें ये रहे 4.5 इंच, आप थोड़ा एक्स्ट्रा करके ले लीजिए, थोड़ा मोड़ने में बाद में कट हो जाएगा इधर बाहर की तरफ से। तो मैं 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ले लूँगी। देखिए, मैंने नेट के पीस ले लिए हैं, तो मैंने 4.5 इंच तो इनकी चौड़ाई रखी है नेट की, और मैंने 42 यानी कि 42 इंच के 42 इंच के मैंने 3 पीस लिए हैं। 42 इंच के मैंने 3 पीस लिए हैं ये नेट के, और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रख ली है। तो नेट के 4-4 ऐसे फोल्ड ऊपर नीचे फोल्ड करना है आपको, इसमें बहुत पास ऊपर नीचे चढ़ा के रखनी है, जिससे हमारा घेरा हैवी सा हो जाए। ऐसे ऐसे करके एक, फिर हमने दूसरी नीचे करके ही हमें घेरे में फ्रिल डालनी है। पास जितनी डलेंगी उतना ही हैवी हमारा घेरा रेडी हो जाएगा। तो देखिए, फिर मैं ऐसी डालूँगी ऊपर नीचे लेकर, आपको ज़्यादा सी फ्रिल लेनी है, ऊपर नीचे चढ़ाकर डालनी है फ्रिल। मैंने इसलिए आपको पट्टी की लंबाई ज़्यादा बताई है कि आपको पट्टी की लंबाई लेनी है 42 की। 3 पट्टी ले लीजिए, देखिए ये डल गई। तो ऐसे ही मैं इसमें फ्रिल डाल लूँगी, लगा ली है, ये रहा घेरे पर, इस पर नेट लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखिए, ये जो हमने फ्रिल ली थी, तो इन्हें ही मिलाकर ऐसे ये हमें एक साथ मिला लेनी है, कह के फिर ऐसे करके, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी। ये रहा, ऐसे फ्रिल लेंगे जहाँ जहाँ हमने डाली थी, इधर से ही देखो ऐसे कर। तो हमें यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है फ्रिल की। ये रहा, ऐसे ही मैं फ्रिल पर इन पर सिलाई लगा दूँगी, जैसे जैसे मैंने डाली हैं ये। ये तो ये हमारे ऐसे आ जाएगा। तो देखिए, मेरा घेरा रेडी है, मैंने घेरा रेडी कर लिया है।
अब ये जो एक्स्ट्रा नेट है इसे मैं कट कर दूंगी, ये जो एक्स्ट्रा नेट है इसे कट करने के बाद मैं इस पर यहाँ ये वाली अब लेस, आप अगर ये लेस लगाना चाहते हैं लेस लगा लीजिए, नहीं तो आप कोई कुंज हो कुछ हो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। इधर भी मैं बारीक वाली या तो गोटा लगा लीजिए गोल्डन सिल्वर कलर का, नहीं आप यहाँ बारीक वाली लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ तो मैं इधर बारीक वाली लेस लगा लूँगी और ये वाली लेस। तो चलिए मैं इसे रेडी करती हूँ। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा नेट कट कर कर अब मैं यहाँ ये फ्रिल लगा लूँगी। तो देखिए मैंने लेस लगा दी है, आप कुछ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, आपको कुंज वुंज जो भी कुछ आपका मन हो, इस घेरे को तो रेडी करके आप इसे कैसे भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं यहाँ बारीक वाली लेस लगा लूँगी। के लिए फैब्रिक ली है, चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच और लंबाई ली है मैंने 10 इंच, और मैं 10 इंच इसे फिर इतना फोल्ड कर दूँगी चोली को जो हमारी 1 इंच की चोली ऐसे रह जाए। तो ऐसे इधर से लीजिए इधर से और यूँ फोल्ड कर दीजिए। तो मैं ऐसे इसे फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए चोली हमने रेडी कर ली है, इसमें सिलाई लगाकर हमने लेस लगा ली है जो हमने ड्रेस में लगाई थी। हम इसे बीच में से कट कर दूँगी, बीच में से कट करने के बाद और मैं इसे इसे ऐसे लूँगी और यहाँ वी शेप में ऐसे यहाँ वी शेप में इसमें 1 इंच पर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए हमने चोली रेडी कर दी है और मैंने यहाँ डोरी लगा दी है ऐसे फोल्ड कर कर, ये डोरी मैंने लगा दी है। डोरी की लंबाई है 11 इंच, अपने कान्हा जी की कमर से नाप लीजिए आप। तो चोली रेडी है और घेरा भी रेडी है। घेरा में अब हमें घेरे में हमें यहाँ पट्टी लगानी है कमर पर बांधने के लिए, तो मैं इसे 15 इंच की पट्टी काट लूँगी। तो आप 15 इंच की पट्टी काट लीजिए। देखिए मैं डोरी नहीं डालूँगी, मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ले ली है, मैं इसे ही बांधने के लिए कर दूँगी। इसमें नेफे की तरह लगा दूँगी मैं ऐसे, और इसे ही एक्स्ट्रा ले ली है मैंने बांधने के लिए। आप इसे लगा लीजिए ऐसे सीधी। तो देखिए मैंने ये लगा दी है, अब मैं इसे अंदर को मोड़ लूँगी ऐसे, अंदर को लेके से नए इसे अंदर को ऐसे फोल्ड कर दूँगी तो ये ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसे अंदर को मोड़ दूँगी, से नहीं लगाइए, मैंने इसी में ही डोरी लगा दी है ये बांधने के लिए ऐसे ड्रेस को जब बनाएंगे हम। और हमारी कान्हा जी का घेरा भी रेडी है और चोली भी रेडी है। तो अब हमें इसमें डिज़ाइन बना दूंगी। तो देखिए मैं इसमें कुंज लगा दूंगी, ये बाज़ार में मिल जाते हैं आपको, मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसे करके मैंने ऐसे कुंज को ग्लू से चिपका दूंगी। आप इसे कैसे भी सजा सकते हैं, किसी भी चीज़ से कैसे भी आप सजावट कर सकते हैं इसकी। अब हम पगड़ी बनाएंगे, बहुत सिंपल पगड़ी है। तो मैंने कलगी के लिए कपड़ा ये लिया है, 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है, फिर मैंने इसे फोल्ड कर कर ऐसे सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी तैयार 1.5 इंच रह गई है। तो अब मैं इसके ऊपर लेस लगा लूँगी कलगी के, यही वाली जो मैंने ड्रेस में लगाई थी, ऐसे में से लेस को लगा लूँगी। देखिए मैंने ऐसे प्लेट डाली थी इसमें पकड़ कर ही हूँ। और मैं इसे नीचे से पकड़ कर इसमें सिलाई लगा दूँगी। आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग के बना सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे में से तो मैं सिलाई लगा लूँगी इसमें नीचे सुई से सिल लूँगी। ले ली है और नेट, और मैंने इस पर सिल दिया है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है और तो मैंने 7 इंच इसकी लंबाई, और ऐसे करके मैं इसमें टांका लगा दूँगी इधर ऐसे। तो पहले मैं लेस लगा लूँगी, इधर लेस लगाऊँगी मैं, इधर एक लेस लगा दूँगी। तो आप अपने कान्हा जी को ऐसे यूँ लेकर
पहले सिर पर पना कर देख लीजिए कि कितनी फिट करनी है, कितने में सिलाई लगानी है हमें, फिर उसी हिसाब से आप यहाँ ऐसे सिलाई लगा लीजिए। तो कान्हा जी को पना के पहले देख लीजिए सिर पे। तो देखिए मैंने अपनी कान्हा जी को पना कर देख लिया था, तो फिट आ रहा है उनके, तो मैं यहाँ अब सिलाई लगा दूँगी। तो आप यहाँ टाका लगा दीजिए ऐसे ऐसे यहीं से, या तो मशीन से लगा दीजिए या हाथ से। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है, अब मैं यहाँ कलगी को फिट कर दूँगी इधर। तो मैं इसे कलगी को यहाँ बीच में ऐसे बीच में फिट कर दूँगी। पगड़ी बना दी है, कलगी मैंने इसमें फिट कर दी है और मैंने ये कुंज भी लगा दिया है इसमें। तो हमारी पगड़ी बनकर रेडी है और ये ड्रेस भी बनकर रेडी है। तो आप जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी को इस ड्रेस के लिए को ज़रूर बनाएं, और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगती है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।